भी मैं हूँ फगवाड़ा के अंदर और यहाँ भी मैं आया हूँ बिग बाइट के पास। सर नाम दस दो अपना। मेरा भाजी नवदीप सिंह। और भाजी का? भाई का अमनदीप सिंह। तो अमनदीप और नवदीप भाजी दोनों भाई हैं। यहाँ पे कमाल का स्ट्रीट फूड बेचते हैं फगवाड़ा के अंदर। उधर भाजी पनीर फ्राई कर रहे हैं और भाजी ये क्या ज्वाला निकाल रहे हो आप? ये भाजी अभी बना रहे हैं अपना पनीर। तो नवदीप भाजी यहाँ पे यार पनीर को कर रहे हैं टॉस। अभी तो शिमला मिर्च और सिर्फ प्याज ही है भाजी। पनीर आना जी। पनीर आना भाजी। यहाँ देखो फ्राई हो रहे हैं। अभी ये चेक करो ये सामने पनीर बन रहा है यार। अभी भाजी फुल एक्शन मोड में है। मैं बता भी नहीं पा रहा कि इसमें क्या क्या गया और क्या क्या आना है। तो पनीर का क्यों आपने एक्शन अभी भी बंद नहीं हुआ यार। अभी ये आ गया पनीर बीच में। और ये तो भी भाई ट्रेलर है क्योंकि ये सिर्फ स्टफिंग। अब जो पूरा माल मसाला ना वो आप देखना क्या कमाल की चीज है। अरे वाह। यहाँ पे जुगलबंदी के तो होता है। नवदीप भाजी बना रहे हैं रैपिड स्टफिंग और इधर भाजी बना रहे हैं। भाजी आप क्या बना रहे हो? रोल में टोस्ट किया। क्या बात है। भाजी ने रोल में टोस्ट किया। अब ये रोल टोस्ट हो रहा है। ये देखो इकट्ठे ऑर्डर लग रहे हैं यहाँ पे। मतलब जो लोग आते हैं ना यहाँ पे वेट करने का टाइम नहीं मिलता उनको। सामान आता है मतलब ऑर्डर होता है और सामान सीधा टेबल पे। बिल्कुल 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 भाजी बिल्कुल। अब ये चेक करो भाजी फुल एक्शन में रैप बना रहे हैं। सर ये रैप कौन सा बना रहे हैं? मैक्सिकन रैप है। मैक्सिकन रैप। अब ये सीधा जा रही है जी रैप के अंदर। वाह भाजी पहले क्या क्या है रैप में वो बता दो एक बार। कैप्सिकम अनियन और पनीर। वाह अब ये चेक करो यार कमाल है यार। अच्छा ये पनीर रैप ऊपर है और ये मैक्सिकन रैप नीचे। मैक्सिकन वाला नीचे। ओके वो अलग है। इसमें हमारी पनीर पैटी। पनीर पैटी। पनीर पैटी। इसमें जलापेनोज होंगे, लेटस, कैप्सिकम और पनीर टिक्की। बहुत ही बढ़िया यार। मेरे को कैबेज लगा बट वो लेटस है। लेटस है। बहुत अच्छा। ये चेक करो यार भाजी ना एक भी सेकंड के लिए रुक नहीं रहे और ना मैं उनको रोक रहा हूँ। जो काम है ना फुल यहाँ पे हो रहा है स्पीड के अंदर। जब भी आप आओगे ना तो ऐसा एक्शन देखने को मिलेगा आपको। अब ये बन रहा है मैक्सिकन पनीर रैप। पनीर हाफ कट हुआ ट्रायंगल शेप में बीच में से रहेगा। सर एक बार पनीर उठा के दिखा ना अकेला पनीर। अब ये चेक करो यार पनीर प्रॉपर ब्रेड क्रम्स लगे हुए हैं। अरे वाह मतलब एक भी सेकंड ना मेरे को कैमरा रोकना नहीं पड़ रहा यार। आज सीधा अनकट वीडियो चल रही है आपकी आंखों के सामने। अब ये आई जलापेनो सॉस। ये सीजनिंग आ गई। भाजी को रैप बनाने में रिकॉर्ड भी आपके पास जितनी स्पीड है? नहीं नहीं भाजी पर बनता है भाजी को रिकॉर्ड। बुलाओ किसी कंपनी को रिकॉर्ड करवाओ अपने नाम पे। शाबाश बेटा। तो उधर भाजी ऑर्डर्स ले रही है। कस्टमर्स खड़े हैं यहाँ पे और नवदीप भाजी फुल एक्शन में। भाजी एक ऑर्डर तो अच्छा। तो यहाँ पे ऑर्डर लगते जा रहे। भाजी अब क्या लगा रहे हो? ये भाजी बर्गर लगा रहे हैं। जो सही है फैमिली वाले ना भाजी बर्गर बहुत पसंद करते हैं। मतलब अगर बर्गर पसंद आ गया ना आपका उनको तो यहाँ पे सर वो भी लाइन लगा के आएंगे। तो बर्गर की भी लाइन लग गई है। सर कितने बर्गर लगा रहे हो एक साथ? ये भाजी एक साथ जितना ऑर्डर रहेगा सारा क्लियर कर दूंगा। अच्छा अंदाजा कितने बर्गर लग रहे हैं? ये 10 बर्गर लग रहे हैं। तो ये 10 बर्गर लग रहे हैं यार एक साथ। आप देखो सामने तवे के ऊपर। तवा भाजी अपना डिफरेंट है। ये कैसा? ये भाजी खुद सारा काट असि रेडी को सैंपल करवा सकते हैं। ओके ये आईडिया सर कितने किलो का तवा होगा? होगा भाजी अप्रॉक्स 15 किलो का होगा। तो ये तवा की ना मोटाई चेक करो आप। तवा ना जैसे डोसा वाला तवा होता है कुछ कुछ वैसा ही है बट इसकी साइड्स थोड़ी ऊंची है। तो हल्का सा ना भाजी सिर्फ ऑयल लगा के बर्गर को टॉस करते हैं। मतलब यहाँ पे मक्खन के साथ वो चोपड़ने वाला काम ही है। ये भाजी तो प्लस ही हैवी नहीं रखे लाइट रखे। अच्छा आगे भाजी आइसबर्ग। अब ये आइसबर्ग आ गए यार। ये तो पंजाब में पता भाई साहब आपको बर्गर बनते हैं ना जब तक मक्खन के साथ चोपड़े ना जाए तो बर्गर नहीं कहलाते। पर भाजी ने बिल्कुल लाइट रखे है। देखो एकदम प्यारा गोल्डन बर्गर रखा है। अब ये चेक करो थोड़े वेजिटेबल्स आपको दिखाता हूँ। ये ककुम्बर्स टिक्कियाँ अनियन कैप्सिकम टमाटर सारा कुछ पड़ा और इधर लग रहे हैं जी बर्गर लगातार। अरे टाइमिंग क्या रहती है अपनी यहाँ पे? टाइमिंग पाजी 5 से 11 बजे। अभी ये चेक करो यार नवदीप पाजी का एक्शन फिर से शुरू हो गया। अब ये आ रही है टिक्कियाँ। सर ये कौन सी टिक्की है? ये पाजी आलू टिक्की है। सिंपल आलू टिक्की है। सिंपल आलू टिक्की खुद बनाई थी पाजी इन हाउस बनाई थी। वाह ये टिक्की चेक करो प्रॉपर ब्रेड क्रम्स लगे हुए। अभी पाजी ना पीछे फ्रायर पे खड़े टिक्कियां बना रहे थे। तो नॉर्मल वेज बर्गर में यार काफी माल मसाला है और उधर बन रहा है मैक्सिकन। मैक्सिकन में ज्यादा वेजेस रहेंगी। मैं आया जी लेटस आ गई कैप्सिकम आ गई। पनीर डलेगा सर इसमें? हां जी पाजी पनीर टिक्की आ गई। पनीर टिक्कियां। सर एक और बात मैंने देखी है आपके यहां पे जब कस्टमर आता है
तो उसको हार्डली 5 मिनट वेट करना पड़ता है। बिल्कुल नवदीप भाजी एक्शन में रहते हैं जिस वजह से कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ता। आप आओ जितने टाइम में आप सोचोगे ना कि भाई मुझे खाना क्या है उतने टाइम में तो नवदीप भाजी ने आपको खिला देना कि ये लो। अभी अनियन आ गई फ्रेश यार टेम्पटिंग और कमाल लग रहे ना बर्गर। पहली बार ना कोई बिना भाजी नूडल वाला बर्गर इतना सुंदर लगा। जो बेस है ना बर्गर्स का वो सारा मेयोनीज का रहेगा। और ये क्या भाजी तो बुरी ये भाजी साडी हलपिनो सॉस। हलपिनो सॉस हां जी भाजी ये लक्षण पनीर बर्गर ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा ये अपनी इन हाउस है या मार्केट वाली है? ये भाजी इन हाउस भी है एंड मार्केट वाली भी है। थोड़ा सा अपना टच देता हूं। समझ गया मतलब गाना मार्केट वाला बीट लगाई अपनी। ये भाजी मैक्सिकन बर्गर ਦੇ ਵਿੱਚ सीजनिंग आ गई। भाजी काम स्पीड से जरूर है पर बना बहुत रूह से रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल भाजी शौक नाल करी रहे हैं। अब ये चेक कर रहे हैं यार लुक्स बर्गर की एक बार मैं दिखाता हूं। वो मैक्सिकन है इतना सुंदर बर्गर और ये नॉर्मल आलू टिक्की भाई नॉर्मल नहीं कह सकता इसको। फिर अभी का तवा पूरा भरा था और तवा बिल्कुल खाली हो गया और सेम प्रोसेस अगेन रिपीट हो रहा। भाजी अब कौन कौन से बर्गर जाएंगे? ये भाजी साढ़े वेज बर्गर एंड पनीर डिलाइट बर्गर लग रहे हैं। बड़ा ही कमाल यार। तो लास्ट जितने बर्गर बने ना उसमें मेरा बर्गर नहीं था। भाजी के पास इतने कस्टमर करते सारे बर्गर चले गए। अब इस बैच में भाई अपना बर्गर लगेगा। यार कमाल का बर्गर है मतलब बर्गर तो मैंने भी खाया नहीं। कमाल है धमाल है क्या है वो बाद में बताऊंगा। एक्शन है ना जो भाजी का ये जो भाजी है ना भाई मतलब आवाजें यार सुन के ना मेरे को ऐसा लग रहा था लाइव कॉन्सर्ट में आ गया हूँ। बीट्स चल रही है मैं पूरा एंजॉय करके वीडियो बनाई है। अब एंजॉय करके फूड खाता हूँ पास आपको दिखाता हूँ। ये देखो बर्गर है ये पता क्या कह रहा है सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो नहीं किया तो कर लो। बर्गर ये आपको कह रहा है सब्सक्राइब करने के लिए। मैक्सिकन बर्गर है ये देख रहे हो मोटी तकड़ी वाली पैटी है पनीर की पैटी है। तो आओ फटाफट पास आओ थोड़ा सा पास आ जाओ बस यहाँ ही दो। ये देखो वो वाली बात है। अब वो बात क्यों है जो ये होती है ना यार बर्गर की जान मतलब अब बर्गर अगर बॉडी है ना तो उसकी आत्मा पैटी होती है। लोग जो आत्मा ना वो मार्केट वाले डाल देते हैं तो उसमें कई बार झोलझाल हो जाता है बट ये अपनी बनी हुई पैटी है। तो पनीर इतना ये देखो इतना का सॉफ्ट पनीर है ना डेयरी वाला पनीर वो वाला पनीर डाला है बढ़िया ब्रेड क्रम्स लगा के। अभी हमारे साथ है शुभम पाजी। पाजी चैनल का नाम बताओ अपने फूड सैवेज। तो पाजी का चैनल है फूड सैवेज। रैप खा के बताओ सर कैसे है। तो चलिए जी हम अपने वेज रैप ट्राई करते हैं। ये सिंपल वेज रैप है तो सबसे पहले वाइट लेता हूं। एक तो सबसे अच्छी बात इसकी ऑयल फ्री है। इसमें वेज आलू टिक्की जो डाली हुई है बहुत ही बढ़िया बैलेंस है। ऊपर से थोड़ा सा क्रंच बहुत ही बढ़िया है। कमाल है। आप बेसिकली ये जरूर ट्राई कीजिए। पर ये आपने रिव्यू ऐसे किया मेरे को लग रहा है हिंदी की कविता सुन रहा हूँ। मजा आ गया सुन। लोकेशन है जी यहाँ की चौपाटी। अब नियर अबाउट डोमिनोज है।